नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 1:11। सीएए के समर्थन में गया पहुंचे डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने गया के आईएमए भवन में कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही लालू प्रसाद यादव का हाल सैया गए कोतवाल वाला हो गया है। सैया भय कोतवाल तो डर का आएगा, तो जब अपनी पार्टी की सरकार एक एमएलए जीता के, यानी एक एमएलए इस पर इतना कूद रहे हैं जैसे लगता है कि आसमान हासिल कर लिए। तो सीबीआई को उसको देखना चाहिए और हम सीबीआई से यही आग्रह करेंगे, एक और तो वह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते कि हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, इसे हमको रिहा कर दिया जाए। और दूसरी ओर जब सैया कोतवाल बन गई वो दरबार लगा रहे हैं, इसलिए सीबीआई को हाईकोर्ट की नोटिस में इस बात को लाना चाहिए कि ये कैदी को कैदी के रूप में लाना चाहिए। वो तो जेल में बैठ कर ट्वीट कैसे कर रहे हैं कि आप जेल में बैठे व्यक्ति को, भले उनका बाहर से कोई व्यक्ति करे, उनके नाम से बयान देने का अधिकार है क्या, ट्वीट करने का अधिकार है क्या, राजनीतिक टीका टिप्पणी करने का अधिकार है क्या, ये सुधरने वाले नहीं है। समझो समझाओ यात्रा के तहत रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा रोहतास जिले के विक्रमगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था बदहाल है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। साथ ही साथ एनआरसी और सीएए को लेकर भी सरकार का उन्होंने घेराव किया। तो फिर बदलाव की क्या जरूरत, सवाल यही पैदा होता है, बदलाव प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को भी मामला साथ व्यवहार, सब बड़ी चालाकी चलता है यार। एनआरसी कहाँ, एनआरसी की तो कोई बात ही नहीं है, हमको एनपीआर दलितों की हकमारी नहीं होने देंगे। एनआरसी और सीएए का जो मुद्दा है, इसमें बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और उनके साथ बिहार में जेडीयू के लोग मिलकर के साजिश कर रहे हैं। इन लोगों की साजिश है कि समाज को दो भाग में बांट दें और बिना कुछ किए हुए देश और बिहार पर राज करते रहें। लोग रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, किसानों की समस्या का सवाल इस पर न पूछे और बिना कुछ कहे हुए वोट दे दें, इस साजिश में इनको कामयाब नहीं होने देना है। इसलिए हम लोगों के बीच घूम रहे हैं कि लोग समझें या फिर है क्या यह एनआरसी। जेएनयू कैंपस में हुए हिंसक घटना और नकाबपोशों का वीडियो वायरल होने के बाद राजधानी पटना के कारगिल चौक पर जनतांत्रिक विकास पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। निष्पक्ष जांच की मांग भी की। पटना में जेएनयू में छात्रों और शिक्षकों पर हुए हमले को लेकर तमाम ट्रेड यूनियनों और वामपंथी दलों ने प्रतिवाद मार्च निकाला। वामपंथी दलों के नेत्री ने कहा कि जेएनयू में जो नकाबपोश लोगों ने केंद्र सरकार के इशारों पर हमला किया है, ये निंदनीय है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो जेएनयू बीसी को बर्खास्त किया जाए, वहां से हटाया जाए और अमित शाह पर जिन्होंने कहा था कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग को सबक सिखाने का ऐलान जो उन्होंने किया था, तो इसको सबसे अमित शाह पर 307 का धारा लगाकर एफआईआर किया जाए। और क्योंकि ये पूरे सत्ता के संरक्षण में जेएनयू में घुस करके आरएसएस और एबीवीपी के गुंडों के द्वारा वहां पर हमला किया गया है, पुलिस के नेतृत्व में पुलिस खड़ी हो करके और हॉस्टल में घुस करके, लड़कियों के हॉस्टल में घुस करके पूरे स्ट्रीट लाइट को तोड़ करके और लगातार वहां पर जो हमला करवाए गए, लगातार 3 घंटे तक पूरा तांडव हुआ और इस तरह से पूरे दिल्ली पुलिस की संलिप्तता, पूरे सरकार की संलिप्तता इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिल रही है। इसलिए
जेएनयू में हुई घटना के बाद बिहार में भी राजनीतिक पार्टियों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने प्रेस वार्ता कर घटना की घोर निंदा की। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। ऊपर लाठीचार्ज, कॉलेज के अंदर घुस के, शायद मैं नहीं समझता हूं कोई इससे कोई निंदनीय, कोई घटिया कोई काम हो सकता है जो एक सप्ताह में बैठने के बाद पूरे देश का माहौल एक गुंडा तंत्र के अंदर तब्दील हो गया है। चाहे आप प्रशासन देख लीजिए तो कॉलेज में घुस के मार रहा है, घर लोगों के घर में घुस के मार रहा है। क्या यह प्रशासन का काम रह गया है? क्या यह सरकार का काम रह गया है? और किस नैतिकता के आधार पे प्रधानमंत्री बनने के ये अधिकारी हैं और गृह मंत्री इस देश के बनने के अधिकारी हैं? देश इनसे संभल नहीं रहा। किसी भी तरीके से यदि कहूं, किसी भी एंगल में, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को न प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, न गृह मंत्री बनने का अधिकार। जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया कि विद्यालय में न तो कोई शिक्षक है और न ही कोई प्रधानाध्यापक, और जो भी है वो नहीं समय पर आते हैं। जी हां, आपको बता दें कि समय पर स्कूल नहीं पहुंचने पर छात्रों और कई लोगों ने इसका विरोध किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक अनिल कुमार यादव से बातचीत में उन्होंने कहा कि गांव के कुछ लोग शराब के नशे में आकर उनसे बदतमीजी और गाली गलौज भी करते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में राजधानी पटना के कई इलाकों में लोक जनशक्ति पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आपको बता दें कि इस दौरान राजेंद्र नगर में लोगों ने सदस्यता भी ग्रहण की। नवादा में जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने के लिए मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। अकबरपुर प्रखंड के सभागार भवन में LRDC सहित कई अधिकारी और पदाधिकारियों ने बैठक की और इसमें लोगों के शामिल होने के लिए बातचीत की गई। साथ ही साथ उन लोगों ने कहा कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग ले लोग और इसे सफल बनाए। राजधानी क्षेत्र में चोरी और डकैती की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला पटना सिटी का है, जहां चोरों ने एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं लिखित आवेदन के बाद पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। भागलपुर के सबौर थाने के पास ट्रक के चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना NH 28 मसाड़ू के पुल के पास की बताई जा रही है और घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने भागलपुर मुख्य मार्ग को जाम कर जमकर हंगामा किया। भागलपुर के नए DIG सुजीत कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालते ही DIG सुजीत कुमार ने जनता दरबार लगाकर आम नागरिकों की समस्याओं को दूर करने की बात कही है। साथ ही साथ पहले की पोस्टिंग पड़ी, जो पेंडिंग पड़ी फाइलें हैं उसको भी जल्द से जल्द निपटाने की बात कही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं पूरे भागलपुर पुलिस परिवार की तरफ से। और जैसा आपने पूछा कि क्या प्राथमिकताएं यहां की पुलिस की होंगी, तो पूरे भागलपुर रेंज में जो क्राइम प्रिवेंशन को लेकर जो काम चल रहा है उसको और बेहतर तरीके से करना, ये हम लोगों का नए साल में लक्ष्य होगा।
इसके अलावा जो पुलिस पब्लिक जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करना, उसके लिए और प्रयास करना कि वो बेहतर हो। लोगों की समस्याएं जो ग्रीवेंस रिड्रेसल जो पहले इस कार्यालय के द्वारा उसको किया जा रहा था उसको आगे भी कंटिन्यू करना, और जो भी केसेस हैं जो सेंसिटिव केसेस हैं उनके इन्वेस्टिगेशन में और ज़्यादा वैज्ञानिक माध्यमों का इस्तेमाल करना, बेहतर अनुसंधान करना, ये सारी चीज़ें जो है वो। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर रोहतास जिले के डेहरी आनसोन में हुई एएसआई रंजीत कुमार की मौत पर तमाम पुलिस अधिकारियों ने मृतक जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आपको बता दें कि इस दौरान बालू लदे ट्रक ने एक यहां पर एएसआई को टक्कर मार दी थी, जिसमें मौके पर ही ट्रक चालक फरार हो गया और इसमें एएसआई की मौत हो गई थी। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 11। नमस्कार।